हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। यहां पर जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप रोज़ाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हां, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। तो जी हां, किसानों ने लगाए हैं FCI बचाओ देश बचाओ के नारे, गोदामों पर की है तालाबंदी। तो जी हां, बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और MSP की कानूनी गारंटी देने की मांगों को लेकर FCI समेत प्रमुख खरीद एजेंसियों के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध शांतिपूर्ण रहा है। FCI की गोदामों के गेट पर ताला लगाकर 2 से 5 घंटे तक धरना दिया गया है। FCI अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही FCI बचाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए गए। किसानों ने कहा कि निजीकरण हुआ तो देश के अन्न भंडारण का मालिक एक ही व्यक्ति होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, 10 अप्रैल को KMP जाम की तैयारी। KMP को 24 घंटे के लिए जाम करने के लिए वहीं ट्रेनों में पंजाब से बड़ी संख्या में किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही गेहूं खरीद पर आरतियों के माध्यम से पेमेंट पर समाधान का आश्वासन, 2 मांगों पर बनी है सहमति। तो जी हां, हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आरती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वहीं देर शाम चंडीगढ़ में CM मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान आरती एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा गेहूं का भुगतान किसानों को आरती के जरिए करने का रहा है। आरतियों ने कहा, जो किसान आरतियों के जरिए राशि लेना चाहते हैं उन्हें आरतियों के जरिए ही राशि दी जाए। इस पर CM मनोहर लाल ने कहा, FCI के पदाधिकारियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आरती ने निर्णय लिया है कि 6 व 7 अप्रैल तक इंतजार करेंगे। कोई समाधान नहीं हुआ तो ट्रालियों से गेहूं उतरवाएंगे लेकिन तुलाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, प्रदेश में एक दिन में 1,44,000 ने लगवाए कोरोना वैक्सीन के टीके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सप्ताह के मेगा टीकाकरण दिवस के पहले दिन राज्य भर में लोगों को COVID-19 की वैक्सीन के 1,44,000 टीके लगाए गए। अब प्रदेश में वैक्सीन लगाने का आंकड़ा 20,12,332 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि और वही मेगा वैक्सीनेशन डे होता है, इसलिए अन्य दिनों की तुलना में इन दोनों दिन ज्यादा टीकाकरण किया जाता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही, गेहूं कटाई के बाद पानी की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। भांगड़ा डैम में रोज 1 फीट घट रहा है पानी। गर्मी के साथ जल संकट गहराया। गर्मी बढ़ने के साथ साथ प्रदेश भर में जल संकट गहराता जा रहा है। भांगड़ा डैम में एक दिन करीब 1 फीट पानी घट रहा है। डैम में रिजर्व पानी 1532 फीट रह गया है। यह मार्च को 1545 फीट था, पिछले 14 दिन में यह 13 फीट घट गया है। साल 2020 में 5 अप्रैल को यह 1597 फीट और साल 19 में 1615 फीट था। वहीं पोंग डैम में रिजर्व पानी का लेवल 1298 फीट रह गया, यह 22 मार्च को 1301 फीट था। जहांगली बड़ी खबर है, जिलाध्यक्षों के साथ स्टेट कार्यकारिणी का भी ऐलान करेगी कांग्रेस। संगठन को मजबूत करने की जद्दोजहद तेज। 11 जिलों के पर्यवेक्षकों ने शैलजा व बंसल को सौंपी है अपनी रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में स्टेट में संगठन को मजबूत करने की जद्दोजहद तेज कर दी है। वहीं नई दिल्ली में 11 जिलों के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी संगठन को सौंप दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिलाध्यक्षों के साथ साथ पार्टी अब प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान एक साथ करेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, फर्जी हस्ताक्षर पर फर्म बनाकर की है धोखाधड़ी। तत्कालीन सेक्रेटरी व मंडी सुपरवाइजर समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो जी हां, उकलाना मंडी में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने नगर के ही एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्म बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मार्केटिंग बोर्ड उकलाना के तत्कालीन सेक्रेटरी व मंडी सुपरवाइजर के सहित 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही यमुनानगर जिले से अगली बड़ी खबर की बात करें, प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें लगवा रहे हैं कई निजी स्कूल। नए सत्र के साथ से ही शुरू हुआ है विभागों की जेब ढीली कराने का सिलसिला। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कई निजी स्कूलों की ओर से अभिभावकों की जेब ढीली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समय अभिभावकों पर ज्यादा मार महंगी किताबों से बढ़ रही है क्योंकि अब भी कई स्कूल NCERT की किताबें नहीं लगवा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, रोडवेज अब नए रोटेशन के साथ बंद पड़े रूट को शुरू करने की तैयारी में। मथुरा व हरिद्वार सहित कई रूट इसी सप्ताह होंगे बहाल। रोडवेज बंद पड़े रूटों को नए रोटेशन के साथ शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए GM ब्रजेंद्र सिंह ने कार शाखा से बंद पड़े रूट की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मथुरा देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश जैसे रूट एक साल से बंद हैं। ये रूट नहीं भरे होने की वजह से बंद पड़े हैं।
अब इसी सप्ताह यह रूट बहाल होने जा रहा है। रोडवेज प्रथम चरण में जिस रूट पर ज्यादा सवारी है उस पर ट्रायल बेस पर बसें चलाएगा। इसी तरह बसों को धीरे धीरे बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, अब हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद के नियम बदले, अब मंडियों में बिना मैसेज भी किसानों को मिलेगा गेट पास। हरियाणा में गेहूं खरीद नहीं होने के विपक्ष के हमलों के बीच प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार मंडियों में 10 अप्रैल के आसपास गेहूं की आवक होगी। किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब बगैर SMS के भी मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों के गेहूं को खरीदा जाएगा। सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर किसानों के लिए पहले से लागू कई शर्तों को वापस ले लिया है। इस बार करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। जी हाँ, इसी के साथ जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में करवट लेगा मौसम, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के है आसार। तो जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर। राज्य में मौसम एक बार फिर से खुश्क व गर्म रहने तथा दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने, मगर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य में आज रात्रि को मौसम में हल्का बदलाव होने की संभावना है, जिससे राज्य के पश्चिमी व उत्तरी जिलों में आज रात्रि व 7 अप्रैल को बीच बीच में तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ कहीं कहीं झटपट बूंदाबांदी होने तथा 8 अप्रैल से फिर से राज्य में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। तो जी हाँ, ये थे हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा अपडेट। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।